पूजा करने जा रहे हो और माँ के हाथ में तलवार ही नहीं, ऐसे गांव का उद्धार कैसे होगा? ये वीरभद्र पता नहीं कैसे काम करता है, पूरा शहर पूजा के लिए तैयार है और ये है कि अरे गौरी तेरा भाई कहाँ है, पूजा का समय हो गया और वो अभी तक तलवार ही बना रहा है। हमारा भाई मामूली पेड़ काटने वाली तलवार भी अच्छी तरीके से बनाता है, फिर देवी माँ की तलवार साधारण रूप से बनाएगा क्या? कहाँ गया भाई तुम्हारा गुरु वीरभद्र, पूजा के लिए सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। गुरु के हाथों में बनी तलवार आम तलवार नहीं होती है, उसकी हर बात में 100 अर्थ होते हैं। तुम्हारा एक कदम रखने में ही देवी माता के हाथों में तलवार होगी। आने की जल्दी में कहीं तुम्हारा गुरु तलवार लानी भूल गया तो? क्या मेरा गुरु वो भी तलवार लानी भूल जाए? मालूम नहीं क्या, मेरा गुरु तलवार लाने के लिए बहुत फेमस है। अम्मा भाई आ गया। ध्यान रखना कोई अंदर ना आए, मैं अंदर का मैटर सॉल्व करके आता हूँ। ध्यान से जाना, बाकी मैं बाहर देख लूंगा। अभी ये क्या किया, पेशाब कर दिया जोर से। तू भी ना थू। वो सब छोड़, ये तो जो अपनी जान पर खेलकर सामान लेकर आया ना, पहले वो अपनी बहन को जाकर दे, वो हमारा इंतजार कर रही है। चल 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 चल। भैया ले आए, मेरी बहन ने कोई काम किया और वो हम ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। भैया दोनों, भैया भैया दोनों दोनों भैया दे दे उसको, उसी के लिए तो लाया है। ओके भैया दोनों भैया। कट गई, इसे रख के पता नहीं कितना खेल रही थी, है ना मीना? आना बाजार चलते हैं। लड़कियों की चोटी खोल के अगर सामने लाए तो कमर के नीचे लटक जानी चाहिए, तुम्हारी चोटी सामने क्यों रहती है? कुत्ते की आंख, लोमड़ी की आंख, बिल्ली की आंख, चूहे की आंख, सब की नजर से बचाए। थू 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 थू। भैया आज के बाद मैं चैन से सो सकूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तू क्या चैन की नींद सोएगी अब, पहले मेरी कहानी सुनना। क्यों क्या हुआ? इस शहर में कितने लोग उस चोटी के पीछे पड़े हुए थे? हाँ तो उनमें से एक मैं भी था ना। ये कैसा अन्याय है, चोर होता तो गहने चुराता, पैसे चुराता, इसके बालों का पता नहीं क्या करेगा, नमक डाल के खा थोड़ी जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है किसने अपनी दुश्मनी निकाली है। नहीं।
अरे उस लड़की के इतने लंबे बाल थे, रेशम की तरह चमकते थे, कौन काट कर ले गया होगा उसके बाल, कीड़े पड़े हो उसको, क्या नाश हो उसका, मुंह काला हो जाए, घर में नाग निकले। मैं तो ये बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती कि कोई घर आके तेरी चोटी काट के चला गया और तू सोती रही, तुझे पता भी नहीं चला। पर मैंने क्या किया है? पता नहीं चेंज कैसे हो गई, कैसे हो गया? ओ, 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 वीरभद्र क्या किया तूने? माँ की चुटिया काटी, बेटी की काटनी थी। आज रात को बेटी की काटियो, माँ की नहीं, ध्यान से। भैया माँ यार, मुझे अभी नहाना है, शिका का कहाँ रखी है बताओ ना। वो कहीं भी हो, मुझे इससे क्या। तुम तो गए अब। इस बार मुझे माफ कर दे, कल रात इसके भी बाल। भैया बहन मेरी बात सुन, गौरी गौरी भैया रुको, गौरी 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 अरे ये क्या, आज भी अपने भाई की शर्ट पहन के पूजा कर रही है। ओहो हे राम, इस लड़की को क्या बोलू पता ही नहीं चलता, ढंग से लहंगा चोली पहनने के बजाय लड़कों की तरह शर्ट पहनकर घूमती रहती है। अरे वो सब छोड़ दे, एक बात बता, शादी पे क्या पहनेगी, साड़ी या फिर भी अपने भाई की शर्ट पहन के घूमेगी? तेरी शादी में तेरे पति यानी हमारे नाना ने शर्ट खरीद कर दी, नहीं ना? तो तू शर्ट के बारे में क्या जाने, तू नहीं समझेगी। जब देखो मेरे पति के पीछे पड़ी रहती है। ओ हो 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 हो, आज या कल उसकी शादी हो जाएगी, क्यों उसकी जान के पीछे पड़ी हो नानी? अजी सुनते हो, दलाल रामप्पा आए हैं। रामप्पा कैसे आना हुआ? एक बढ़िया रिश्ता आया है, क्या घर है क्या जगह है, उस घर की बहू बनने के लिए तेरी बेटी ने कुछ पुण्य ही किए होंगे। वो सब तो ठीक है, शहर का क्या नाम है? एक बार लड़के को देख तो लो, बिल्कुल राजा राजा जैसा लगता है। ओए, पहले शहर का नाम बता। कुल मिला के तुम्हारे परिवार के लिए उनके साथ संबंध बनाने का सौभाग्य होना चाहिए। क्या होना मामा चाहिए जी? पहले शहर का नाम। ओहो हो, शहर शहर करके मेरी जान क्यों खा रहा है? ए, बो, 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 शहर का नाम बता रहे हैं नहीं? वहां देख मेरी बहन को, मेरी बहन देवी है देवी, और तू किसी गांव का रिश्ता लेकर आता है। देख भाई, हमें तो बस जिस शहर में जाए उस शहर से मतलब है, बाद में फिर पति सास ससुर गधे कुत्ते सब नजर आते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ओहो हो, अच्छे खासे रिश्ते पर क्यों मिट्टी फेंक रहे हो? ठीक है, शहर का नाम बता वरना तो गया। ठीक है भाई, मेरा क्या जा रहा है, उत्तरांचल। क्या क्या बोला? उत्तरांचल। उत्तरांचल नाम के लिए ही गांव है, पर अंदर से शहर है, देखेगा तो अच्छा लगेगा। मैं जो कह रहा हूँ तुझे सुनाई दे रहा है ना? हाँ दे रहा है। तुझे तो सुनाई दे रहा, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कान गए तो क्या हुआ, आंखें तो ठीक है, शहर दिखाने के लिए आंखें काफी हैं। ठीक है चल चलते हैं, चल चल शहर दिखा चल। आखिरकार आ ही गए उत्तरांचल। ये आवाज कहां से आ रही है? रुको, क्या भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अरे मंदिर में बकरे की बलि दे रहे हो, कितनी बेशर्मी का काम कर रहे हो, भगवान को ऊपर जाकर क्या जवाब दोगे बताओ? क्या क्या है? हे, क्या पुरुषों के सामने बड़ी तो मूछ, बकरी के पीछे बड़ी तो पूछ, अरे हम सब एक जैसे ही हैं भाई, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। बस गाय बकरी हमारा दूध नहीं पीते, लेकिन हम लोग उनका दूध भी पीते हैं और उनकी बलि भी चढ़ाते हैं और साथ ही साथ बड़े प्यार से खाते हैं। क्या हम लोग सही करते हैं? इस बात को ध्यान से सोचो तुम। सोचो सोचो सोचो। ए, इसके इतना कहने के बावजूद हम अगर मार देते हैं तो कोई हमें मनुष्य नहीं कहेगा, बकरी को खोल दो। सरकार भी इस गांव को नहीं सुधार सकी,
लेकिन 5 मिनट में इस वन एंड ओनली वीरभद्र ने इसे सुधार दिया। वीरभद्र इस गांव में अपनी बहन तो क्या अपनी जान तक दे देंगे। हेलो सरकार कहती है बकरी की बलि मत दो। बिल्कुल बिल्कुल। गाय को भी नहीं काटना चाहिए। गुड गुड वेरी गुड। मुर्गी को भी नहीं काटना चाहिए। खुद सरकार ने ये नहीं बताया तुम्हें कि मनुष्य को बलि नहीं देनी चाहिए? अपना शहर छोड़ के हमारे शहर में तुम 10 मुर्गों के बराबर हो। तुम्हारी बलि बहुत बढ़िया होगी और देवी माँ बहुत खुश होगी। मेरा इशारा मिलते ही तलवार तेरी गर्दन खिसक से अलग कर देगी। आए, बलि तो एक ही झंडी थी, मुझे क्या मार रहे हो? छोड़ो मुझे। हे देवी माँ, हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमारी बलि कबूल नहीं कर रही हो? हे भगवान, तू क्यों मौत का शंख बजा रहा है मेरे लिए? ए, रुक जाओ। ऊपर जाने के बाद भगवान को इस बारे में कुछ नहीं बताना। आहा, हो गया, काटो काटो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे भाई, तू मुसलमान है क्या? हाँ भैया जी, मैं तो अपनी प्यारी बहन की शादी के लिए, मेरा मतलब है उसके निकाह के लिए यहाँ आया था, लेकिन आपने तो मेरी कब्र ही खोद दी। उसकी टेंशन मत ले, मैं हूँ ना उसके लिए अब्दुल कादर, चिंता मत कर। तुम क्या मुसलमान हो? मैं भी हूँ। पहले ही बता दिया होता ना तो ये बात नहीं होती। इस शहर में हम और मुसलमान छोटे भाई बड़े भाई इतना रहते हैं, अकस्मात मैं आपको मार दूं तो इस शहर में हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाएंगे। पहले गांठ खोलो भाई, खोलो खोलो, खोलो। बाल बाल बचे, अल्लाह ने हमें बचा लिया। ए वीरू, ए बसवा, अपने शहर को जाने वाली बस आ गई है, जल्दी आ जल्दी आ। वीरभद्र, बसवा है क्या? हमारे साथ धोखा करोगे? पकड़ कर बांधो भाई। तूने क्या समझा मुझे बे? अपनी बहन की शादी के लिए गया था, तूने तो मेरी समाधि लगवा दी है। तुझे तो मैं बताता हूँ। मार इसको, इसको उठा, बहुत मारी। तूने मुझे क्या समझ रखा है बे? बड़े दिन से तेरा इंतजार कर रहा था। मारो इसे आज। मार मार मार, और जोर से मार। क्या ले, शर्मिंदगी कर रहे? ए, तेरा बाप मैसूर का महाराजा, तेरी माँ महारानी, तेरी बहन युवरानी, और नहीं तो क्या? अपनी बहन के लिए राजाओं का खानदान ढूंढ रहा है क्या? ए, किसी भी लड़के से करवा दे इसकी शादी, अगर कोई और ना मिला ना तो कुंवारी रह जाएगी तेरी बहन। ये गांव में पैदा हुई तो उसकी शादी गांव में नहीं होगी क्या? ए, इधर देख, देख मेरी बहन का हाथ। मसाला पीस पीस कर इसके हाथ पत्थर जैसे हो गए हैं। ये जिस भी गांव में जाएगी, कम से कम एक मसाला पीसने की मशीन तो हो। हाँ, कपड़े धो धोकर पीठ दर्द के कारण बेचारी रात भर सो नहीं पाती है, और ये जिस भी गांव में जाए वहाँ एक वॉशिंग मशीन भी ना हो। शहर भेजेगा शहर। वो छोड़ना वीरभद्र, ओए हमारी बहन जिस शहर में जा रही है उस शहर में कम से कम एक मूवी टॉकीज तो होना ही चाहिए, नहीं तो वो शहरी क्या? ओहो, लिस्ट में मूवी टॉकीज भी शामिल हो गया। वो क्यों? बहन और उसका परिवार अगर वहाँ पे शहर में रहेंगे तो सिनेमा देख सकेंगे और अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा जब हम उनसे मिलने जाएंगे ना। मतलब जिस शहर में यह सब सुविधाएं होंगी उस शहर में अपनी बहन की शादी करने की ठानी है क्या? तेरी बहन सीता से थोड़ी ऊपर और शबरी से थोड़ी नीचे है, इस जन्म में तेरी बहन की शादी तो होने से रही। भैया, हे भगवान, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करता हूँ, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तुमसे बस एक चीज मांगता हूँ भगवान। इस साल एक अच्छी सी लड़की दिखाकर मेरी शादी करवा दो। ए, ये नारियल भगवान के लिए फोड़ते हैं, आती जाती लड़कियों के लिए नहीं। सूरत तो देखो इसकी, मवाली कहीं का। वाह भगवान वाह, इतने सालों बाद आज तुमने मेरी सुन ली भगवान, तुम धन्य हो भगवान, तुम धन्य हो।
सुनिए क्या है आपका एड्रेस मिलेगा झाड़ू मारूंगी अगर अकेली लड़की से पता पूछेगा इस लकड़ी को तेरी छाती पर रखकर आग लगाकर जला दूंगी सुन ले ध्यान से सुन ले फिर कभी शहर के अंदर दिखाई दिया तो जीवित नहीं बचेगा एड्रेस पूछता है एड्रेस भैया भैया ये पूरे गांव में लड़की छेड़ने वालों की आंखें निकाल लेता हूं मैं और तू मेरी बहन पे नजर डाल रहा है तेरी तो इसकी हिम्मत तो देखो एड्रेस पूछता है मुझसे एड्रेस पूछता है इसका एड्रेस नहीं सर इधर आ सर सर नहीं सर बुरी नियत से नहीं पूछा था आपकी बहन को देखा अच्छी लगी बस तो सोचा शादी के लिए बात कर ले तो एड्रेस ओहो इतने में शादी तक पहुंच गया कौन से शहर का है बे तू गुठली क्या गांव से आया है बस वाह तलवार निकाल गौरी तू अंदर जा भैया अंदर जा ओए बाबा क्या हो गया रे अरे ये तेरी रेंज से बहुत कम है यार ये मुझ पे छोड़ देना एक मौका मुझे भी मिल जाएगा ना नहीं भैया गुठली मतलब वो कोई गांव नहीं है भैया जेपी नगर जय नगर सदाशिव नगर की तरह ये भी शहर का हिस्सा है बस करता है बेंगलुरु क्या वही जो कभी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर हुआ करता था अब जो बेंगलुरु हो गया वही ना हाँ जी विधानसभा कब्बन पार्क लालबाग सब है ना वहाँ वही वाला बेंगलोर ना वही बेंगलुरु आप बेंगलोर के रहने वाले हो ना पैदा और बड़ा तो दोनों गांव में ही हुआ अब गांव में तो कोई नहीं है सब शहर में रहते हैं आपका बेंगलोर बेंगलोर ही है ना मरते दम तक बेंगलोर ही रहेगा पीछे पीछे मेरी बहन की जब शादी हो जाएगी वो भी तब बेंगलोर में ही रहेगी ना अरे कैसी बात कर रहे हैं आप जहाँ राम रहेंगे वहाँ सीता भी रहेंगी गुरु बोल एक सप्ताह के लिए इतने कपड़े काफी होंगे ना एक सप्ताह क्या हुआ मार क्यों रहा है कम से कम वहाँ एक महीना तो रहकर ही आएंगे ऐसी बात है क्या इस सामान को अच्छी तरह से बांधो बेंगलोर जाएगा ठीक है ठीक है ये क्या है गौरी भाई की कमीज भी लेके जा रही है क्या बेंगलुरु जाने के बाद भी उसी की शर्ट पहनेगी क्या हाँ माँ क्या हाँ माँ वहाँ जाकर भी लड़कों की कमीज पहननी है तो तेरे पति की कमीज है ना वो पहनियो पति की शर्ट हजारों भी हूँ तो भी वो मेरे भाई की शर्ट जैसी बेंगलोर आ गया बेंगलोर आ गया देख ले कैसा है बेंगलोर देख बहन कितना सही है ना बेंगलोर आफ्टर ऑल कर्नाटक की राजधानी है चलेंगे देख यार कितना अच्छा एरिया है दुकानें भी हैं अरे मिक्सर की दुकान भी है आओ जी चलो चलो अंदर चलो भैया नई नई शादी करके आए हो आरती किए बिना अंदर नहीं जाने दूंगी तुम दो
दोनों की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आरती कर रही हूँ। बहन को कोई तोहफा नहीं दोगे क्या? अभी अरे जीजा जी आप अंदर जाइए, मैं संभालता हूँ ना इसे। चलिए चलिए आप चलिए ना, आप ऐसे हैं उसके पास। ये क्या अंगूठी ही डाल दिया आपने? अरे बैंगलोर में मेरी बहन फर्स्ट टाइम आई है और आपने उनकी आरती उतारी है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या 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 कहा? मेरा मतलब है अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी सुंदर बहन के होते हुए आपने कहा कि आपका कोई नहीं है? वो बहन नहीं है, बहन जैसी है, पड़ोसियों की लड़की है। बचपन से ही हम एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। ओहो वो वाला मामला है। आप मेरे भाई की तरह, मैं आपकी बहन की तरह, इनकी बहन की शादी आपसे हो गई, तो रिश्ते में ये मेरे क्या लगे? पति लगे ना। अरे शादी हो गई तो पति बन जाएगा, नहीं तो ससुर समझ लेना, नहीं तो आपको जो लगे वही मान लेना। मुझे क्या लेना देना, जो कहना है कहो, शक्ल देखिए। वीरभद्र याद है क्या जो हमने काम पहले किया था अपनी बहन के लिए, वो हमें लगता है दोबारा करना पड़ेगा। याद कर कचक कचक। हाँ रुके रुके रुके, आज रात कहाँ सोएंगी आप? क्यों? प्लीज 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 मुझे बताइए ना। मैं कहीं भी सोऊं, तुम्हें उससे क्या? अच्छा माँ के साथ सोएंगी या फिर अलग सोएंगी? मैं किसी के भी साथ सोऊं, तुम्हें क्या मतलब? आप अगर अलग सोएंगी तो मेरे लिए कंफर्टेबल होगा ना, कहीं बाद में माँ के ऊपर मैंने गलती से हाथ डाल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो देखो तुम्हारा इस तरह से बात करना गलत है। क्यों 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 ठीक नहीं है बताओ? लड़की से क्या, इस तरह नहीं, बात मतलब करना क्या? गलत ऐसे, है नहीं। मैंने कहा ना गलत है, गलत है मतलब। ये तुम कैसे बात कर सकते हो ऐसे? हाँ क्यों लड़ रही हो, पागल है? लड़ रहे हो बिकारी। भैया भैया क्या कर रहे हो, क्या बात है? बात ना मैं बताता हूँ सुनो। ओ गॉड बस यही बात है? नहीं 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 मैटर ये नहीं है, पीछे पीछे देखिए। भैया शंकर भैया कब आए? अभी अभी आए। कैसे हो? बिल्कुल सही हूँ, भला मुझे क्या होगा। हे शंकर मेरा बेटा है। आप लोग बैठकर बात करें, मैं जाके कॉफी बना के लाती हूँ। आना यार। नहीं उससे क्यों बात कर रहा है तू, वो हमारी बहन की शादी में नहीं आया था ना, वो गर्लफ्रेंड है हमारा। ए शादी में आना था इसलिए हमने सारी तैयारियां कर ली थी। हाँ। लेकिन इलेक्शन टाइम है ना, छुट्टी नहीं मिली। जैसे ही छुट्टी मिली मिलने चला आया। जाने दे यार आ तो गया। जीजा जी मैं हमेशा कहता था ना मेरा एक पुलिस इंस्पेक्टर बैंगलोर में दोस्त है। हाँ। यही है वो शंकर, ये मेरे जीजा जी। हेलो सर। लोकल अम्मा ये गाना किसने रोक दिया? अम्मा लाइट कट गई है। अम्मा को गुस्सा आ गया ना तो कितने सर कटेंगे पता है? ये गाना किसने गाया है? वो उदित 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 नारायण ने गाया माँ। अब उन्हें गाना ही चाहिए। अम्मा वो अभी मुंबई में है माँ। वो मुंबई में हो या दिल्ली में मुझे क्या, उसे बोल की वो गाए मेरे लिए गाए। मामा आपको सिनेमा के बारे में कैसे मालूम है माँ? दुनिया को चलाने वाली अम्मा सिनेमा के बारे में नहीं जानेगी, नहीं जानेगी। अब उन्होंने नहीं गाया तो पता है कितने सर कटेंगे?
गाने के लिए बोलो। खुलता खेलता था बैंगलोर में आके कहा फंसा दिया अम्मा के पास मुझे। गौरी हाँ ये क्या कर रही है? क्या है ये? हरी मिर्च अदरक लहसुन गरम मसाला डाला हुआ गोला। इतना सारा क्यों? हमारे भाई को गरम मसाले वाले नाश्ते बहुत पसंद हैं इसलिए। गरम मसाला हरी मिर्च अदरक ये सब उनके लिए है जिन्हें गुस्सा आता है। मतलब मेरे भैया में गुस्सा और हिम्मत नहीं है क्या? अगर ऐसा होता तो मैं क्यों कहती? एक काम करो, अपने भाई को बिना नमक और खटाई का सिर्फ लाल मिर्च का साग दो। आह, ये सब करने से क्या तुम्हारे भाई को गुस्सा आ जाएगा? गौरी, ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? हुआ क्या है तुम दोनों को? देखो ना, ये कहती है भैया में गुस्सा और हिम्मत नहीं है। बड़ी होशियार बनती है। कैसी होशियारी? मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भाई को अपने इशारों पे नचा के उसकी इंसल्ट करूंगी। अगर उसे गुस्सा आ गया और वो मुझे मारने के लिए आया तो मैं मान लूंगी कि उसके अंदर गुस्सा और हिम्मत है, और अगर वो भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप खड़ा रहा तो सब कुछ समझ जाना, तुम हार जाओगी और मैं जीत जाऊंगी। 100 रुपए चैलेंज। गौरी, बड़े 100 रुपए? क्या 100 रुपए? मेरे 500 रुपए। गौरी, मुझे लगता है 500 रुपए थोड़े ज्यादा हो गए। ये हमारे भैया को नहीं जानती। शादी से पहले आपके साथ क्या हुआ था पता है ना? सुमा, अगर तुम थोड़ा सोच लोगी तो अच्छा रहेगा ना। बेट का मतलब बेट और चैलेंज का मतलब चैलेंज। बसवा, बैंगलोर क्या शहर? ओ हेलो, कहाँ से आ रहे हो दोनों? ओ एक दूसरे को क्या देख रहे हो? यहाँ देखो यहाँ। ए, मुझे कह रही है वीरभद्र को। आंखें दिखाती है मुझे, इसके तो मैं सारे तेवर उतारता हूँ, ठहर जा। इसके अंदर भी भूत आते हैं क्या? कल उसे, आज इसे, कल किसी और को। हे भगवान। कहाँ फंस गया यार मैं इसके चक्कर में। ये कैसे धोती बांधी है, स्टाइल मरता है। हाँ, ये हमारे गांव का स्टाइल है। स्टाइल के बच्चे नीचे कर। भैया, हे हे, इधर आ, पीछे जा, बस वहीं खड़ा रहे। क्या बहुत शाना बनता है? तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगी। समझ में आई बात या नहीं? ए ढक्कन। ढक्कन बोलती है? बे, ये ऐसे कैसे बोल रही है यार? भैया देखा आपने मेरे इशारों पे किस तरह से आगे पीछे हो रहा था? मुझ पर बाजी लगा कि मेरे साथ ही खेलती है ये, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक रुक रुक, हमारे शहर में कितनी लड़कियों ने हमसे कैसी कैसी बातें करी, हमने किसी को कुछ कहा क्या? नहीं ना, जाने दो उसको। ऐसी बात है क्या? चल जाने दे। वीरू, हाँ, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। हाँ यार, भूख लगी है। गौरी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। गौरी, मुझे मिलेगा? आपको भी नहीं मिलेगा, जाओ। Thank you.
महात्मा। बोल क्या है? आप दुर्गा कॉलोनी के जिस मकान में धंधा करते हैं उसी मकान के नीचे कोई शास्त्री रहता है क्या? हाँ तो अब क्या है? उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। आत्मा परमात्मा अंदर धकेल कर दरवाजा बंद करके आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। बूढ़ा आदमी है भाई, चार लोग मिलकर उसे मार रहे थे और आप सब तमाशा देख रहे थे। मुझे छोड़ा तो होता, सबको मार के भगा देता। आज नहीं तो कल तुम गांव चले जाओगे, तब हमें कौन बचाएगा? ये लोग हमें जलाकर राख कर देंगे, राख। अपने गुस्से और जोश में अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा, एक बार तो उसके बारे में सोचते। जब पुलिस ही उनसे कुछ नहीं पूछ रही है तो हमारे करने से क्या होगा, बताओ। जीजा जी, बेंगलोर का मतलब पता नहीं मैंने क्या सोचा था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जीजा जी। हमारे गांव में भले ही कुछ भी ना हो लेकिन मन की शांति तो है जीजा जी। दया करके जीजा जी हमारे गांव वापस चलिए। कॉलेज कैंटीन में 2 लाख लगाए हैं और घर का लोन ही 3 लाख बाकी है। धूप में उबल के बारिश में भीग के छोटी उम्र से ही बहुत कष्ट उठाकर ये कमाया है मैंने। इन सबको छोड़ के गांव आने के लिए कह रहे हो क्या? तुम्हें क्या, तुम्हारी बहन अच्छी रहे यही सोच रहे हो ना? इतना ही है ना? तुम जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं अपनी पत्नी को खुश रख सकता हूं। राघवेंद्र स्वामी मठ से पूजा करवा के लाई हूँ ताकि आपको गुस्सा कम आए। बिना सास का घर है, माँ को छोड़कर आइए मेरी बहन।
इसका आप ध्यान रखिएगा। हाँ आ वीरू, बस के लिए देर हो रही है। हाँ आया। भैया घर में माँ को, नानी को, सबको मेरा नमस्ते कहना। अबे तेरे को दिखाई नहीं देता क्या, चला हट। ए चल निकाल निकाल निकाल, 6 पैकेट सिगरेट, 3 पैकेट पान पराग निकाल। पहले का 6,000 रुपया अभी तक बकाया है, फिर उधार, पहले का पैसा दो। किससे मांग रहा है बकाया? चिटके किट्टी से बकाया मांगता है? अभी तेरा हिसाब करता हूँ। किट्टी किट्टी, प्रिंसिपल आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तेरा टाइम अच्छा है, बच गया जिंदा। अगर ये सब यूं ही चलता रहा ना तो कैंटीन चलानी बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप कुछ करो। वीरू, 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 वीरभद्र, जिसका डर था और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। क्या हुआ बताएगा? कैसे कैसे बताऊं? ए बसवा, जल्दी बता नहीं तो चीर कर रख दूंगा। भाई कैसे बताऊं, तू ही पढ़ ले। मिल गया वीजा। मेरे बाप ने पैसे देके वीजा मंगवाया है, मैं नहीं जाऊंगा। वीरू देखो बेटे, बच्चों की कमाई में खाना पीना ही माँ बाप का गौरव होता है। बेटे कष्ट के समय में सहायता हो, इसलिए तो पैसे देके वीजा लिया है। ये कमाई करके पैसे भेजेगा तो हम इज्जत से जिएंगे, नहीं तो इसी गांव में भीख मांग मांग के जीवन बिताएंगे। तू तो इसे थोड़ी बुद्धि दे। मैं नहीं जाऊंगा, जो भी जमीन और खेत बेच कर तुम मुझे भेजने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं नहीं जाऊंगा वीरभद्र को छोड़ के। 5 मिनट क्या, 5 सेकंड के लिए भी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा वीरभद्र, मैं नहीं जाऊंगा। इधर आ। हे बसवा, आज तक हम लोग अपने लिए जिए हैं, तुझमें मुझमें ज्यादा अंतर नहीं है, अब हमें अपनों के लिए जीना चाहिए। एक मिनट रुको, कुछ नहीं होगा। ये तो पिछले महीने से 2 इंच बढ़ गया। आपको नहीं पता मेरे पेट में बच्चा बढ़ रहा है, इसलिए 2 इंच ज्यादा हो गया है। लेकिन ये क्या है, सिलेंडर बढ़ रहा है, 2 इंच से ज्यादा हो गया है। छोड़िए मैं नापती हूँ, लीजिए 1 मिनट में आई। अरे छोड़ यार, कोई नहीं, कोई है। पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रहा है। अरे। आ रही हूँ, कौन है? क्या बे, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ए साले पैसा, प्रिंसिपल को कंप्लेन करेगा है? ले साले कंप्लेन कर। हे, ये पान पराग रवि किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई उसे छेड़े तो उसे छोड़ता नहीं। झूठे गिलास झूठी थाली धोने वाले प्रिंसिपल को कंप्लेन करेगा तू? मक्खी मच्छर मारने के लिए स्प्रे खरीदा था ना, अब देख तेरी बीवी के पेट में जो कीड़ा पल रहा है ना, उसे मैं कैसे मारूंगा? घंटी बज रही है, वो भी सही समय पर। नहीं सर, छोड़ दीजिए ना सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। बेंगलोर मेरा ना है तो डर करो, आखिरी बार समझाता हूँ मैं। गौरी,
मैं बोल रहा हूँ। हेलो गौरी, हेलो। एक मिनट भैया, मैं गैस ऑफ करके आती हूँ। हाँ भैया। हाँ अच्छी है ना तू? अच्छी हूँ। जीजा जी कैसे हैं? वो भी ठीक है। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी? गई थी। क्या बात है गौरी, कोई परेशानी है क्या? नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे से हैं। मैं बहुत खुश हूँ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। रखती हूँ भैया। दरवाजा खटखटा रहा है। ओह, तुम अभी तक डरी हुई हो? मैंने प्रिंसिपल से पूछ के कंप्लेंट वापस ले ली है। सब ठीक हो जाएगा, आज के बाद कोई नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो, सोने की कोशिश करो। भाई की याद आ रही है क्या? अगर मेरा भाई यहाँ होता तो आपको कोई छू भी नहीं सकता था। आप यहीं बैठिए। कौन है? कौन? कौन है? सरप्राइज। अरे क्या हुआ? गौरी, गौरी, अरे रोते नहीं भाई, ऐसे नहीं रोते। मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगा। ए वीरू, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, आने से पहले फोन करके आना चाहिए था हमें। सरप्राइज करते हैं, सरप्राइज करते हैं। अब देख कैसे रो रही है हमारी बहन। ये क्या जीजा जी, सर पे चोट? नहीं कुछ नहीं, वो जाते समय बाइक स्लिप कर गई, गिर गया बस। बेंगलोर जैसे शहर में बहुत ट्रैफिक होता है, थोड़ा गाड़ी ध्यान से चलाना चाहिए था। ओहो, हे मेरे भगवान, इसकी बात सुन के गाड़ी में चलाना, ट्रैफिक देख के खुद तो बौखला जाता है ये। अबे आते ही शुरू हो गया तू। अरे जीजा जी, बस दो दिन की बात है, इसके बाद तो दुबई जा रहा है। हाय। आज सुबह मुर्गा बोला। मुर्गा? कौन सा मुर्गा? वही मुर्गा, छोटा सा, नहीं समझी? वही मुर्गा जो फोन पे बार बार चिल्लाता रहता है। अभी तक नहीं चिल्लाया। आपके भाई को ना थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। सारा दिन क्या करता है वो, एक फोन कर लेता।
मेरे भाई का जब मन करेगा वो तभी फोन करेगा। मुझे बुरा नहीं लगता तो तुम्हें क्यों लगता है? तुम्हारे भाई को मेरी फीलिंग समझ नहीं आएंगी, अब ये तुझे कैसे समझाऊं? मैं समझ गई कौन है, मेरी दीदी की बेटी रेखा है ना? ओ रेखा, माय शोना, माय स्वीटू, ओ आई लव यू। गरम मसाला डालकर बना हुआ गौरी के हाथ का चिकन और उसके बाद मीठा मीठा पान, मजा ही आ जाएगा वीरू। ओहो क्या रे, दुबई जाने वाले मेहमान का अच्छे से सत्कार कर रहे हो ना? ए बताऊं क्या? ए, तुम चुप रहो। यहाँ जो शास्त्री जी थे और वो गुंडे कहाँ से आए थे, कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता। बस शास्त्री जी को मार कर चले गए, शर्म भी नहीं आई उन्हें। छी हाँ, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, मैं यूं गई और यूं आई। ओके बाय। गौरी तुझे पता है तेरी शादी उस शहर में होगी जिस शहर में थिएटर होगा, ऐसी जिद पकड़ी थी और तेरी शादी करवाई थी हमने, लेकिन फायदा क्या हुआ हमें? इस शहर में हर गली में एक थिएटर है, वो भी बढ़िया वाला, लेकिन फायदा क्या हमें? हमने कभी भी एक साथ इकट्ठे बैठकर सिनेमा देखा? बिना कोई फिल्म देखे मैं दुबई कैसे जा सकता हूँ? और मैं वहां जाके क्या काम करूंगा? भैया ये भी कोई बात हुई क्या? तेरी कल की फ्लाइट है, अभी 12 बजे हैं। अभी जाके टिकट लेकर आ, फिर शो चलते हैं। आहा, बहन हो तो वो भी तेरे जैसी। मैं आज जाके अभी जाके वो सिनेमा की टिकट लेके आता हूँ। ओके ओके वो सब छोड़ो, मैं जाता हूँ फटाफट टिकट लेता हूँ और वहीं खड़ा रहता हूँ। भैया ओए तू फिर रोक रहा है मुझे, तेरे को समझ नहीं आती? एक बार मैं जा रहा हूँ वहाँ पे टिकट लेने के लिए, अगर तुझे आना है तो तू आ, नहीं आना तो मत आ, यहाँ पे बैठ के ग्लास से ठक ठक कर, नहीं तो गोल गोल लोटे ले मेरे बाप जा। हेलो गंगू, आज भाई का वेडिंग डे है, भाभी के साथ पिक्चर देखने गए हैं, डिस्टर्ब मत करना, कॉन्टेक्ट हम कर लेंगे। एक बालकनी देना। ए रमेश ईशा नीचर को उठा के बाहर फेंक। ए किसको बोल रही है? फोन को। वेडिंग डे कटिंग डे बन जाता। जा रहे टिकट ले गया। ए तुझे कह रहा हूँ चल जा रे। भाई आपका टिकट लेके पिक्चर जाना जमेगा नहीं। आज अपना वेडिंग डे, कोई गलत काम नहीं करना, बिल्कुल टिकट लेके पिक्चर देखना। ठीक है भाई, चार टिकट देना। ए कितनी टिकट है? 15 टिकट है भाई। सारी दे दे। ठीक है। ए भाई पहली टिकट मैंने मांगी है, मुझे दो। ए मुझे दे। ए शरीफ लोगों की तरह लाइन में जा, पीछे जा, पहले मुझे टिकट दो। तेरी तो। ए इधर दे टिकट। ए समझ में नहीं आती क्या तुझे? एक बार में मेरी बात, पीछे जा चल, अब ये टिकट दो। अबे तेरी तो, चल साले तुझे टिकट देता हूँ, ले और टिकट ले साले, ले और ले टिकट, ले और ले साले। क्यों मार रहा है भाई? हम कौन है, बिना जाने कुछ भी बोल रहा है। ए कोई मुझ पे हाथ मत उठाना, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, किसी के साथ भी अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। भाई को हाथ दिखाकर बात करता है, मैं हाथ दिखाता है तू? ए तुम लोग आदमी हो क्या हो, एक के ऊपर चार चार मिलके मार रहे हो सालो, तब मैं तो एक के करके आओ ना। ए, 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 हमारे शहर में आके हम हाथ उठा के देखो, एक एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, ए, समझ लो। ए, नहीं नहीं छोड़ो, छोड़ दो। किसके बारे में बात कर रहा है? छोड़ दो, ऊपर देख, छोड़ दो आत्मा, छोड़ दो।
वीरभद्र, वीरभद्र, क्या हुआ रे बसवा? वीरभद्र, हाँ बसवा, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? वीरभद्र, ये किसने किया? कुछ लोग आए थे, कुछ गुंडे लोग आए थे, उन्होंने मेरे साथ, मुझे ना बेंगलोर के लोग हैं, बेंगलोर के गुंडे हैं वो, बसवा, बसवा, सीता जी ऑटो लाओ, अरे बसवा, तुझे कुछ नहीं होगा बसवा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता, वीरभद्र, लेकिन मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया, मुझे बहन तुम खुश रहना, तुम ज़्यादा खुश रहना, अपना ख्याल रखना, नहीं भैया नहीं, अच्छा अच्छा वीरू अगले जन्म में फिर मिलेंगे, अच्छा चलता हूँ मैं, तुझे कुछ नहीं होगा बसवा, तुझे कुछ नहीं होगा, ये बसवा, ये सुन सुन बसवा, ये बसवा, मेरी बात सुन बसवा, भैया अन्याय से तेरी बेटे हत्या कर दी, अब हमारी कौन रक्षा करेगा, कहाँ जाए हम, कैसे रहेंगे तेरे बिना, अरे कोई तो आओ, हमारी रक्षा कौन करेगा, के वो तेरे पे चांद देता था, तेरे पास ही उसने चांद दे दी, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, लाओ उसको वापस, लाओ कोई तो वापस ला, गौरी गौरी भैया, हम जाकर आते हैं, हमें यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए, इन्हें भी कैंटीन में काम है, इसलिए हम जाकर आते हैं भैया, उन्हें जाना है तो जाने दो, वो वहाँ और मैं यहाँ कैसे भैया, गौरी तुम्हारे पेट में 6 महीने का बच्चा है, ऐसी हालत में तुम्हारा बेंगलोर जाना ठीक नहीं होगा, तुम तब तक घर में ही रहो, यहाँ पर तुम्हारी अच्छी देखभाल हो सकती है, हम औरत होकर भी नहीं सोच पाए और ये मर्द होके भी समझ गया, इसे कहते हैं असली ममता, तुम्हारा भाई ठीक कहता है, यहाँ तुम्हारी देखभाल के लिए माँ बाबा भैया नानी सब हैं, वो हैं तो मुझे कोई डर नहीं, तुम मेरी चिंता मत करना, डिलीवरी के 2 दिन पहले मैं यहाँ आ जाऊंगा, जाऊं जाके आता हूँ, एक बात बता, तेरा बंबई जाना जरूरी है क्या? मैं तो यही कह रही थी,
पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। गौरी की डिलीवरी हो जाए उसके बाद चले जाए। देश की नंबर वन कंपनी है, ऐसा काम बार बार नहीं मिलता। वैसे भी तेरी बहन की डिलीवरी तक नहीं रुक सकता क्या? माँ, पिताजी, आप सब लोग हो ना उसकी देखभाल के लिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा सुन, उसका माँ बाप सब तू ही तो है ना। चलो गौरी, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? तुम चले गए तो मैं कैसे? 1 तारीख से काम शुरू हो जाएगा, फिर ऑनर से छुट्टी लेके तेरे डिलीवरी से पहले ही पहुंच जाऊंगा। हाँ देख, बच्चे की देखभाल करना ना, मैं हर रोज तुझे फोन करूंगा। अब मैं चलता हूँ। परमात्मा आजा। तुम यहाँ बॉल खेल रहे हो और कोई वहाँ बॉम्ब डाल रहा है। किसकी हिम्मत है? दुर्गा कॉलोनी में जो तुम्हारा धंधा चलता था ना, उसके खिलाफ किसी ने फिर से कंप्लेंट की है। कौन है वो? बेंगलुरु में नया लगता है, उसे आपके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। जाइए और उसे समझा दीजिए आप कौन है। समझ गए आप? उसका एड्रेस वही शास्त्री वाले मकान में रहता है वो। आत्मा, परमात्मा, ए, ए, थो, थो, ए, जाओ उसके हाथ पैर काट के दुर्गा कॉलोनी में बांट दो। जाके खींच के लाओ उसे। अभी लो बॉस। ओए, खोल दरवाजा। खोलना, दरवाजा खोल। अंदर आओ क्या? दरवाजा खोल। हेलो, क्या शनिश्वरा का राइट हैंड? कहाँ? दुर्गा कॉलोनी में जल्दी पहुंचूं? Yeah.
सीक्रेट कंप्लेंट को पब्लिक में बांटता फिरेगा क्या? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है तू, तेरी तो। गुंडों को तो किसी का भी सपोर्ट हो सकता है, बीवी, भाई, दोस्त या फिर पब्लिक का, लेकिन खाकी वर्दी वाली पुलिस का बिल्कुल नहीं। तुझसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। इस शहर के अंदर कोई भी गली का गुंडा उठ के आ जाता है और डॉन बन जाता है। कैसे? तुम्हारी वजह से। जब इंसान मरता है तो उसे मृत्यु कहते हैं, जब राक्षस मरता है तो उसे संहार कहते हैं। बहुत मिर्ची लग गई क्या जो टेंशन ले रहा है? 30 लोगों को मार दिया तो बड़ा काम किया क्या तूने? ए, मुझे तो लगा तू वहां पर आएगा, लेकिन तेरा टाइम अच्छा था जो तू बच गया। तू नहीं आया तो क्या हुआ? बुरे लोगों का अच्छा टाइम ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। मेरे हाथों से बच नहीं सकता तू। शनि, शनीश्वरा, ये मेरा रखा हुआ नाम नहीं है, लोगों ने रखा है। पकड़ा गया तो गया। ए पागल, तेरा असली शनि मैं हूँ, टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में मिला दूंगा। ए! ए शनि, गला फट के बाहर आ जाएगा, तुझे तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। कुल कितने लोगों को मारा है उसने? सर कुल मिला के 21 लोग थे सर, सब के सब गुंडे, उनमें से एक इंस्पेक्टर था सर, लेकिन वो भी चालू था सर। हेलो, आज के बाद आपको इसी तरह लाशों को झाड़ू लगाना पड़ेगा। पहले ये काम म्युनिसिपैलिटी करती थी, लेकिन अब ये नेक काम आप करेंगे। ओए, कौन है तू? मजाक कर रहा है क्या? मजाक नहीं,
सवाल। एक कमिश्नर, दो जॉइंट कमिश्नर, 9 डिप्टी कमिश्नर, 20 असिस्टेंट कमिश्नर, 88 इंस्पेक्टर, 480 सब इंस्पेक्टर, 200 लेडी सब इंस्पेक्टर, 20,000 पुलिस, 2,000 लेडी पुलिस, कुल मिलाकर 25,800 लोगों के बस की बात भी नहीं है क्या? मैं अकेला करके दिखाता हूं, पूरे शहर में कोई गुंडा नहीं बचेगा। किसी को भी पकड़ना आसान नहीं होता, उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। ये क्या गणपति विसर्जन का त्योहार है जो पुलिस से परमिशन लूं? ये वीरभद्र का रुद्र तांडव है जिसने अपनी तीसरी आंख खोल दी है। काट रहा हूं फोन। क्या तुझे पता है तूने जिसे छुआ है वो कौन है? वो कोई और नहीं, तेरी मौत है। इस खाकी वर्दी को छूकर तूने अपनी मौत का दरवाजा खुद खटखटाया है। कौन है, कौन है बता। 20 लोगों की बलि चढ़ाने वाला, एक इंस्पेक्टर का संहार करने वाला, कमिश्नर को फोन पर धमकी देने वाला मैं ही हूं। उसी ने तुझे मीटिंग के लिए यहां भेजा है। वीरू, तू कुछ गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहा हूं मैं? हाँ, बसवा ने क्या गलती की थी जो उसे मार दिया? हाँ, ए, उसे तेरे मेरे प्यार के अलावा और क्या पता था उसकी हत्या करने वाला कौन है? तू जानता है ना? पकड़ सकता है क्या, पकड़ सकता है क्या उसे? ये कोई गांव नहीं है जहां हम जो चाहे कर सकें। बैंगलोर है। ए, क्या बैंगलोर बैंगलोर कर रहा है? हाँ, क्या यहाँ कोई इंसान नहीं है? यहाँ इंसान नहीं रह सकते क्या? कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर। यहाँ रहने वाले 70% लोग गाँव से ही आए हैं। बेंगलोर के किसी कोने में शोर शराबा होता है तो सारे गांव हिल जाते हैं। तुम्हें पता है बेंगलोर किसका है? कर्नाटक में रहने वाले हर व्यक्ति का। कुछ लोग मेहनत करते हैं तो कुछ मजदूरी करते हैं, लेकिन कुछ पैसों की खातिर ये गुंडे लोगों की हत्या तक कर डालते हैं। आप लोग चाहें तो इन गुंडों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। इस वीरभद्र ने ये बीड़ा उठा लिया है उन गुंडों के टुकड़े टुकड़े करने का। तू जो चाहे दलील दे, मगर वो कानून के हिसाब से गलत होगा। अगर चाहूं तो तुझे अभी अरेस्ट कर सकता हूं। ओ, पुलिस की वर्दी का रोब दिखा रहा है क्या? अगर तूने माँ का दूध पिया है और इस खाकी वर्दी के अंदर एक मर्द है तो अपने एरिया के किसी भी गुंडे को 24 घंटे के लिए जेल में बंद करके दिखा, वरना इस खाकी में छुपे आदमी को मैं नामर्द समझ लूंगा। तू क्या मुझे अरेस्ट करेगा? हाँ, सबको खत्म करके मैं खुद ही सरेंडर हो जाऊंगा। ए, तुझे मालूम है तूने किसके ऊपर हाथ उठाया है? पटाकी बालू के शिष्य के ऊपर है। अगर तूने एक और बात मुंह से निकाली ना तो मैं सारी की सारी गोलियां तेरे हलक से उतार दूंगा। हेलो, शंकर बोल रहा हूँ। एसआई, मैं सेंट्रल मिनिस्टर गोविंद स्वामी बोल रहा हूँ। वो क्या है, तुम्हारे लोगों ने हमारे पटाखी वालू के शिष्य को अंदर कर दिया है। जल्दी रिलीज करके उसके हाथ में फोन दो। ए, मिनिस्टर ने फोन किया है, चल बात कर। फोन आ गया। हेलो। भैया, मुझे अंदर ही रहना है, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। क्यों भाई, मिनिस्टर से बात नहीं करोगे? सर, वो आपसे बात करने के लिए मना कर रहा है। ए, इंस्पेक्टर, तू मुझे जानता नहीं है, अब तो उससे पटाखी बालू ही बात करेगा। पटाकी बालू, ये बालू बोलता नहीं, पटाका बोलता है। एमएलए से कहलवाया, एमपी से कहलवाया, इसीलिए तेरे बेटे को उठा लिया और आधे घंटे में मेरे शिष्य को मेरे पास होना चाहिए, नहीं तो
और आधे घंटे में इसी पुलिस स्टेशन में तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी को उठा लूंगा। पुलिस में होके भी आज मैं कुछ भी नहीं कर सका। वीरू, तेरा रास्ता ही सही है। गुंडों की खाल उतारा है वो सही है। हमारे डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी कर रहा है सही है। इस बैंगलोर के लिए तू सही है। तू मेरे साथ है तो ये खाकी मुझे नहीं चाहिए। ए, छोड़ से। ये वर्दी मुझे चाहिए। एक आम आदमी केवल अपने परिवार के लिए सोचता है, लेकिन एक पुलिस वाला पूरे देश के लिए सोचता है। इस वर्दी के वजूद को पहचानो। मुझे एक हारा हुआ आम आदमी नहीं चाहिए, इंस्पेक्टर शंकर चाहिए। ये इंस्पेक्टर तेरी क्या मदद करेगा? बेंगलोर में जितने भी गुंडे हैं उन सब की लिस्ट बनाओ। मैजेस्टिक को ही अपना घर बनाकर रहने वाला बान पराग रवि, मेरे सामने तेरी हिम्मत कैसे हुई? कानून को हमेशा हाथ में लेने वाला पटाखी बालू, पूरे बैंगलोर को निचोड़ते रहने वाला शनीश्वरा, शनीश्वरा जिसने तेरे बेटे को मारा है, लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर डाल। अब उसका हिसाब किताब मैं करूंगा। रे अभी तक उसे पकड़ा क्यों नहीं रे? बालू थोड़ा साइलेंट रहे। ये क्या रे, क्या साइलेंट रे, क्या कूल डाउन बालू। ये क्या कूल डाउन, क्या समाधान मिल जाएगा? क्या हम सब है ना, बैठ क्या यार, चल बैठ। पागल बना के रखा हुआ है यार। हाँ बालू, जब तुम किसी को मारते हो, उसकी हत्या करते हो, किसी का घर बर्बाद करते हो, हम कुछ कहते हैं क्या? कुछ कहते हैं क्या? ये पटाखी बालू, मैं अपनी आंख बंद कर रहा हूं, खोलने से पहले भाग जा। इनके बाप का राज लगता है। साला मुझे बंदूक दिखाता है, उसे पता नहीं है क्या? उसको अब मेरे से बस भगवान ही बचा सकता है। हेलो, पटाखी बालू, मेरी जिंदगी के बारे में तुझे पता नहीं है ना? हाँ, क्योंकि तू तेरे बाप से पैदा हुआ है और मैं मेरे बाप से, और तेरी एक बेटी है ना, उसको मैं उठा के लेके आया। तेरी बेटी के जिंदगी का टाइम मैं तुझे देता हूँ, इसी टाइम में उस लड़के को जेल के अंदर डाल और अपनी बेटी लेके जा। और अगर पुलिस की बुद्धि लगाई तो ये बालू नहीं बोलता, पटाखा बोलता है। ए बालू, 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 मेरी बात सुन, वैसे मत कर। बालू, तूने पटाखी बालू को टाइम दिया और उसने एसीपी की लड़की को किडनैप करके तुझे टारगेट किया है। पुलिस चाहे उसे कहीं भी ढूंढे, वो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। वीरू, अब तेरी बारी है, जाके उस लड़की को बचा ले, और फिर देख जो पुलिस डिपार्टमेंट तुझे हत्यारा कहता है वही डिपार्टमेंट तेरी दिल से पूजा करेगा। हेलो, तू घर से दूर है, शमशान के पास है, मतलब आज तेरा मरने का दिन है, भूल गया क्या? मौत तुझे ढूंढती पूरे सिटी में घूम रही है, क्या देखा दूर है पास है कह के कॉमेडी करता है सारा। ये खाकी देहाती बुद्धि अच्छी तरह पता है, एसपी की बेटी को यहाँ उठा के रखा हुआ है, और आधे घंटे में तुझे भी अंदर डाल देंगे। वो बिन लादेन चाहिए तो मिल सकता है, लेकिन बालू नहीं मिलेगा। ए, किस गलत फहमी में है बेटा? अहंकार जो है ना, चप्पल की तरह है, जैसा भी हो नीचे ही रहना चाहिए। अगर उसे तो सिर पे उठा के रखेगा तो वह तुझे रौंद रौंद के मार देगी। ए, किससे कह रहा है रे? मेरी माँ ने मुझे दूध पिला के बड़ा नहीं किया, दारू पिला के बड़ा किया है। मैंने जो खाया वो घास फूस नहीं, मांस मांस खाया है कच्चा। तूने दूध पिया है या दारू पी है, घास खाया है या मांस खाया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आधे घंटे में एसपी की बेटी उसके घर होनी चाहिए, नहीं तो तेरा और तेरे आदमियों का बैंड मैं बजाऊंगा, वो भी बिना बारात के। समझा क्या? पटाकी बालू कहता साला देहाती। ए, कहाँ रे? भौंक बे। रे कहाँ है तू? ये सामने आ। ए बोलना रे। भौंक। भौंक साले। ए, हम में से कौन नहीं आया भाई? हम में से अशोक नहीं आया। हाँ, वो लड़का उसे मार रहा है, मेरी वाट लगा रहा है, क्यों छोड़ के आया अकेला उसे? हाँ भाई, दिखा से। हाँ, 3352873। ए, इसी नंबर से फोन किया था उसने, इस नंबर से उसका एड्रेस पता करो रे। ये नंबर महाटा एस्टेट एमजी रोड बेंगलोर। तुम सब हमारे लड़के को सावधानी से लाओ और उस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दो। जाओ, छोड़ दो सर, छोड़ दो सर। निकल। खोलना। ये तो दरवाजा खोल नहीं रहा है। खोल नहीं रहा है तो तोड़ दे इसे। अरे सर, ये तो भाग गया। इसे उठा के फेंकते हैं। हाँ चल। अरे कौन है तू? कौन है भाई? पटाकी बालू ने किसी को किडनैप कर लिया है। वीरभद्र नाम का बंदा यहाँ आया और मुझसे पटाकी भालू के बारे में पूछने लगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे बहुत मारा, भगवान की कसम भाई, मैंने तो पटाकी भालू को आज तक कभी देखा भी नहीं। भाई, वीरभद्र किसी और को हमारा बंदा समझ के उसे मार के भाग गया। ए, उसे मारने वाला कौन है, ठीक से पूछ। मरने तक मारा है, उसे कैसे भूल सकता हूँ। अरे क्या रे, क्या रे, क्या रे, उसको मेरे सामने जिंदा लाओ रे। ये उसे देखा तूने? उसे पहचान लेगा? हाँ। कितना लंबा है? मेरे जितना ही। और क्या रंग है, क्या रंग है? मेरा ही रंग है। कितनी उम्र है उसकी? मेरी जितनी है। नाम बताया था? बताया था, बताया था। हाँ। क्या बताया था? वीरभद्र। मैंने जो बताया टॉप टू बॉटम करेक्ट है क्या? सब कुछ पूछ लिया, लेकिन वो मारता कैसा है ये नहीं पूछा। ऐसे मारता है वो। ऐसा निशाना है। अरे मारो इसको। Hey!
हफ्ते में, महीने में, छह महीने में, साल में तू किसी न किसी को मारने के लिए इस तलवार को तो उठाता ही होगा। तू इस तलवार को मारने के लिए उठाता है और मैं बनाने के लिए, तो सोच मेरे अंदर कितनी ताकत है। जब अच्छा इंसान मरता है तो उसे मृत्यु कहते हैं, जब राक्षस मरता है तो उसे संहार कहते हैं। नहीं, 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 हेलो, मैं अच्छा हूँ, एक मिनट देता हूँ। गौरी, तुम्हारा भाई। भैया, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तेरा प्रोग्राम कैसे चल रहा है? एकदम बढ़िया। क्यों भैया, कैसा था? ओहो, बहुत अच्छा चल रहा है लगता है। क्या भैया, सारे गांव के लोग यहाँ हैं, बस एक तुम ही नहीं हो, छुट्टी नहीं है ये वो बोल के भाग गए। भैया। हाँ, ठीक है ठीक है, तुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक ही प्रॉब्लम है भैया। प्रॉब्लम? वो क्या? अब तुम्हारा शर्ट मुझे फिट नहीं होता भैया। तो क्या? मेरे अकेले के लिए तो कोई परवाह नहीं, पर हम दोनों के लिए वो छोटा पड़ता है। तब तो एक काम कर, ट्रंक में दादाजी का एक पुराना कुर्ता है ना, उसे पहन ले, वो ठीक हो जाएगा। क्यों, मेरा बच्चा दादाजी की तरह हो गया तो क्या भैया? आप भी गौरी, मेरी भी बात करवाओ ना मेरे बेटे से। अम्मा, लो बात करो। वीरभद्र, शहर कैसा है बेटा? अच्छा है माँ, लोग भी ठीक हैं। काम कैसा चल रहा है तेरा? हाथ में सही औजार हो तो सारे काम ठीक से हो जाते हैं। आप इन सब की चिंता मत करो। बस बेटा, तू और तेरे काम सब ठीक रहें। जब तक आपका आशीर्वाद है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, आप निश्चिंत रहो। बॉम्बे जा रहा हूँ बोल के बैंगलोर में क्या कर रहे हो? क्या रे, सबको बॉम्बे बोलकर बैंगलोर घूम रहे हो? अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, जीजा जी को पता चलेगा मुझे अकेले रहने देंगे क्या? गौरी को कितनी परेशानी होगी, तुम क्या समझोगी? ठीक है, अपना एड्रेस बताओ, मैं वहाँ आकर मिलती हूँ। मैं ट्रेवल्स में काम करता हूँ, कब कहाँ कैसे रहता हूँ मुझे भी नहीं पता रहता। मतलब अब हम कैसे मिलेंगे? आज जैसे मिले हैं वैसे ही मिलेंगे। बहुत अच्छे, आज तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। रोज रोज क्या मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी? बोलो बोलो, अब क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? जाने दे, छोड़, मुझसे यहाँ मिलने की बात तू जीजा जी को नहीं बताएगी, पहले वादा करो। एवरी संडे इसी जगह 5 to 6 तुम मुझसे मिलने टाइम पे आओगे, वादा करो। ए, क्या सोच रहे हो, अगर मिलने नहीं आए ना तो मैं ये बात जीजा जी को बता दूंगी। ठीक है। मजा आया है, तुझे भी मजा आया होगा, मेरे लिए गिरफ्तारी का वारंट है, खुश हो जा, खुश हो, तू भी खुश है ना, मेरी गिरफ्तारी का वारंट आया है, अब तुम मरो, मरो, तू, हाँ, नाच, खुश हो, मेरी गिरफ्तारी का वारंट आया है, जाके पता कर, पता कर, पता कर, तू, हे, ज
जाओ पता करो किसने ये वारंट भेजा है। मेरे को पता चाहिए, मेरे को चाहिए, मुझे हर हालत में उसका पता चाहिए। पता करो उसको किसने भेजा है, जल्दी जाओ। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, काली आ जाएगी और काली फिर काटती चली जाएगी, ये समझ रहे हो तुम कि नहीं? लड़ाई का शंख बजाओ, जाओ जाओ। जाके दरवाजा खोल दे। कौन? कोई नहीं है। कौन है दरवाजे पे? मैंने इतना मोटा तगड़ा कर दिया और तुम मेरी कब्र खोदने पर तुले हुए हो, मुफ्त कमाल खाते रहते हो। इसे तो काट दूंगा, तुम लोगों ने समझा क्या है? मैं भालू, तू मेरे को कहां दरवाजे पे खड़ा रही हो तू? रोक ना भैया, क्या आधी रात को तलवार पकड़ के भूत भूत खेल रहा है? तू मुझे क्या समझा रहा है? उधर देख, उधर मेरी फोटो में देख, वो देख हार चढ़ा हुआ है, बाहर अर्थी का सामान पड़ा हुआ है, तुम लोग पी पी के यहाँ पड़े रहते हो, हैं? तू समझा क्या है? पटाखी बालू को मारा, कमिश्नर की बेटी को बचाया उस वीरभद्र ने, ये काम भी उसी ने किया होगा। तूने मुझे पागल समझा है? वो अंदर चुपचाप आता है और मेरी फोटो पे हाथ चढ़ा के चला जाता है, हैं? अबे तू क्या समझ रहा है? वो चाहता तो मुझे मार सकता था। नहीं भाई, मेरी बात को मानो, मेरी मानो, गुंडागर्दी छोड़ के पुलिस को सरेंडर कर देते हैं सब लोग। पता चल गया मुझे कि वो वीरभद्र तू है। भाई मेरी बात मानो भाई, जितने सारा काम किया है तू मुझे मारना चाहता है, मेरे साम्राज्य का अधिपति बनना चाहता है तू? नहीं भाई, उसका मारा हुआ नींबू देख। क्या भैया, आपने अपने छोटे भाई को ही मार दिया? धोखा। अब ये क्या, अपने भाई को ही मार के आ गया तू? गुरुजी, वो वीरभद्र कैसा है किसी को नहीं पता, अंदर है बाहर है कोई नहीं जानता। आधी रात में चिता सजा दी थी, सिर्फ शंख बजाना बाकी था। मैंने सिर्फ आप पर विश्वास किया है, सिर्फ आप पर, एक सिर्फ आप ही तो है। आपके लिए मैंने कितने लोगों को काटा, कितने घरों को आग लगाई, उस वीरभद्र से आपने मुझे बचाना है। शनिश्वर शेक हो गया, पटाखी बालू कट लिया, तुम लोगों ने उसे मिलके मारा होता तो ये दिन तुम्हारे सामने नहीं होता। हेलो हेलो, कौन? एसीपी चंद्रशेखर है क्या? हाँ बोलो। मैं हूँ भाई एमएलए महादेव बोल रहा हूँ। अरे हाँ बोलिए। अरे वो कौन है जो मेरे घर में घुस के मेरे कार का शीशा, मेरे खिड़की का शीशा सब तोड़ डाल रहा है? फोन करके तुझे मार दूंगा ये धमकी भी दे रहा है, मुझे इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए। बस बात समझ में नहीं आती है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए अभी। कौन है भाई? वो वीर है, शूर है, कौन है? इतने सारे पुलिस वालों को पार करके अंदर आ जाएगा क्या? पुलिस वाले उसे पकड़कर जब अंदर डाल देंगे तब आराम से रह सकता है। ठीक है, बाहर में ताला डाल दूंगा, किसी को अंदाजा भी नहीं होना चाहिए ना, इसलिए। मैं समझ गया। हेलो सर, पान पराग रवि उसके छोटे भाई को मार के एस्केप हो गया सर। ये बहुत टेंशन हो गया सर। ए, का गुस्सा चला रहा है बे? कौन है तू? कितनी बार बोलना पड़ेगा, एक बार बोलने से समझ नहीं आता क्या? कौन हो तुम? सर मैं महफिल होटल से आया हूँ।
ये क्या है? बिरयानी सर। तो महादेवप्पा बिरयानी खाएंगे? वो कभी मंगाते नहीं थे सर, आज ही मंगाया है। गो। ए। अब क्या है सर? ये किसके लिए? ये तो साहब के लिए सर। साहब पान परा खाते हैं? वो तो खाते नहीं थे सर, आज पहली बार मंगाया है। ठीक है तू जा, मैं इसको दे दूंगा। ठीक है सर। पान पराग रवि अपने छोटे भाई को मार के यहाँ छिपा हुआ है। हेलो वीरू, पान पराग रवि एमएलए महादेवप्पा के घर में छिपा हुआ है। उसे मैं देख लूंगा, तुम सिक्योरिटी कैंसिल करवाओ। कैंसिल करना मेरे हाथ में नहीं, मैंने बता दिया, अब बाकी तू देख। हम सबसे पैसे छीन कर वो हमें बर्बाद कर गया, हमारा घर बर्बाद कर गया, उसका भी घर बर्बाद हो, बेड़ा गर्क हो, उसका सत्यानाश हो। मेरा पति भी पैसे पी पी के बर्बाद करता था, उससे छुपा कर मैंने अपने पैसे रखे थे, लूट गई मैं तो। मेरी पोती की शादी के लिए पैसे दिए थे, सब कुछ खा पी गए ना। अरे मेरा बेटा कहाँ गया, सामने मिल गया तो यही मार देंगे। मेरे भी 2 लाख रुपए चले गए, बड़ी मेहनत से कमाए थे मैंने, मेरे भी 2 लाख चले गए। लेकिन रिकुल मैं जानता हूँ कहाँ है वो। वो बहुत ही सेफ जगह पर छुपा है। वो कहीं भी रहे हम उसे नहीं छोड़ेंगे, पर बताओ तो कहाँ। वहाँ बहुत सिक्योरिटी है, हम ऐसे नहीं जा सकते। अगर वो जमीन में भी गड़ गया हो ना, वहाँ से भी निकालेंगे, तुम बताओ तो सही कहाँ है वो। वो जो है वो एमएलए महादेवा के घर पर है, पर वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी है। एमएलए महादेव? हाँ हाँ। ए, चलो एमएलए महादेव के घर। अरे तुम सब मेरा मुंह क्या देखते हो, चलो मेरे। चलो कहीं और देखते हैं, चलो चलो। एक आदमी ने 20 लोगों को मारा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने उसे देखा ही ना हो, क्योंकि उसने अपना रुद्र तांडव यहीं से शुरू किया है। बताओ किसको पता है उसके बारे में? ए, तूने जरूर उस आदमी को देखा होगा, बन तो ऐसे रहा है जैसे तू कोई सच्चाई का पुतला हो, गांधी की मूरत हो। हैं? ए, एक पड़ गई ना हैं? तो राखी सावंत, मल्लिका शेरावत, सब मुंह से निकलेगा। ए, जानता नहीं तेरे सामने कौन है? हाँ सर, जो काम आपको करना चाहिए था वो उसने करके दिखा दिया, अब उसके किए काम की तनख्वाह आप ले रहे हैं क्या? ए, सांप के सामने ज्यादा बोलता है क्या तू? क्या
सर, इस एरिया में 10 साल से गुंडागर्दी चल रही थी और ये पुलिस वाले 10 साल से यहाँ आ जा रहे थे। क्यों? सोने के लिए? पैसे लेने के लिए? आप हत्यारा कहकर उसे ढूंढ रहे हैं ना? वो एक ही दिन यहाँ आया, उस दिन से यहाँ पे ना गुंडे रहते हैं और ना ही गुंडागर्दी। हाय, वो कॉलोनी में जो 21 हत्याएं हुई थी ना, उसी के बारे में पुलिस क्लू लेने आई थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? संडे घर में मुर्गी दाल का पानी छोड़ के तुझे ढूंढते हुए यहाँ आई, लेकिन तब भी ये मुर्गा चिल्लाता भी नहीं, कुकड़ू कू भी नहीं करता, कुकड़ू कू करना देखने भी नहीं देता। ओहो, ऐसा क्या? लगाना झटका। झटका 440 वोल्ट जितना। वे, 63 हाइट है मेरी। फिर क्यों हो लेट? गाते हैं डू इट। वहीं खड़ी रह, मेरी बात ध्यान से सुन ले, दिमाग में बैठा ले। वो हत्यारा कैसा है? गोरा है, काला है, लंबा है, मोटा है, उसके बारे में कुछ तो बताओ। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताने वाली, जान लीजिए। अगर मेरी वजह से उसे कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहने वाली। डैडी, आपको बेटी से ज्यादा काम की पड़ी है तो करिए इन्वेस्टिगेशन। मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, कह देती हूँ आपसे। कौन लड़ाती है? दोनों माँ बेटी मिलके मुझे जान से मार डालो। एक कमिश्नर है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, रिपोर्टर्स तरह तरह के सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसे अब तक नहीं पकड़ा है। ए, गलती तेरी नहीं है, गलती है इस खाकी की, और गलती मेरी है, मेरे कर्मों की है। थू। वो हत्यारा वीरभद्र अनेक हत्याएं कर रहा है, फिर भी हमारे डिपार्टमेंट को सही सबूत नहीं मिल रहा। शेम ऑन अवर डिपार्टमेंट। होम मिनिस्टर को मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। सर, उस वीरभद्र ने पटाखी वालों को अकेले ही मार दिया, लेकिन जब पान पराग को मारना था तो लोगों को इकट्ठा करके भीड़ बना के मारा। वही सर, अपनी पुलिस बुद्धि का इस्तेमाल किया। गुड, आगे बताइए। उस हथियारे वीरभद्र का नाम लेकर धमका कर वो तुम्हें खत्म कर देगा ये कहकर 4 लोगों को अंदर लाके बंद कर दिया सर, और वो भी जेल में है सर। सर, ये 4 गुंडे लोगों को पुलिस वालों ने बचाया सर, ऐसा नहीं है सर? क्या ये सच नहीं है सर? यू फूल, तुमने जिनको पकड़ा वो हत्यारे नहीं थे, चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले थे। बैठ जाइए। ठीक है सर। मेरी बेटी ने हत्यारे को देखा है, खुद मर जाएगी लेकिन उसके बारे में नहीं बताएगी। मेरी अपनी बेटी का भरोसा मुझ पर से उठ चुका है, और अब पब्लिक सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? हम अपने डिपार्टमेंट पर ही भरोसा नहीं कर सकते हैं सर। इंस्पेक्टर को मारने के बाद वीरभद्र इस इलाके में हीरो बन चुका है सर। इस डिपार्टमेंट में रहकर गुंडों का सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं सर। बैंगलोर में गुंडागर्दी खत्म होगी सर, सभी लोग अपने कर्तव्य से पीछे हटते रहते हैं, और ऐसे में उसे अरेस्ट करना गलत होगा सर। सर, इस एक एक विषय में हम लोगों के बारे में जानने के बाद उनके बहुत पास हैं सर। टेल मी सुरेश, लोगों को जिन्हें देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उन्हें तो हम पकड़ते नहीं है सर, वही लोग जो लोगों को ज्यादा पसंद है उनके पीछे झट से पड़ जाते हैं सर, है ना सर? देखिए, इसके बाद अगर आपने कुछ और बोला तो मैं आपको बाहर भेज दूंगा। इनका कहना भी बिल्कुल सही है, पान पराग रवि, पटाखी बालू, ये सब कौन है? लोगों को परेशान करने वाले, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए हमने एक भी मीटिंग नहीं की है, ना ही टेंशन ली। लेकिन वीरभद्र को पकड़ने के लिए जिसपे पूरा बैंगलोर मरता है, कितनी मीटिंग्स, कितनी टेंशन। मिस्टर चंद्रशेखर, आपकी बातों में मुझे सच्चाई नहीं लगती। नहीं सर, ये सच है, लेकिन सच कुछ और है, कर्तव्य कुछ और। बारिश भी हो रही है और तुम स्वेटर भी नहीं लाए। क्या गौरी, बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? भैया का बॉम्बे से फोन आने वाला था, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। हेलो। मेरी प्यारी बहन क्या कर रही है? क्या भैया, आपने कहा था हफ्ते में एक बार फोन करूँगा और आऊँगा, फोन भी नहीं किया और आए भी नहीं। मेरे डिलीवरी के टाइम तो आएंगे ना? मैं जरूर आऊंगा, इतना सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ,
तेरे लिए, तेरी कोख में पल रही नन्ही सी जान के लिए, तेरा संसार हमेशा खुशहाली से भरा रहे, यही तो मेरी आस है। ठीक है ठीक है, तू ज्यादा सोच मत, माँ को फोन देना। देती हूँ। वीरभद्र कैसा है? माँ गौरी को डॉक्टर के पास लेकर गई थी क्या? लेकर गई थी बेटा, चेकअप हुआ वहाँ पर, बच्चा पेट में ठीक से बढ़ रहा है बेटा, जनवरी 1 को बच्चे के पैदा होने की डेट दी है। कौन सी तारीख कही? जनवरी 1 को। ले पकड़। शंकर क्या ये हिंदी में तो ठीक है, लेकिन अब तो इंग्लिश में टाइप कर। क्या इसे इंग्लिश में टाइप करूं? जितना कह रहा उतना करना। अरे आपकी तो ऐसी तैसी हो गई, आपका अपमान हो गया, बैंगलोर में सबके सामने मार दिया आपको। भैया आपको किसी ने लेटर लिखा वो भी इंग्लिश में, देखिए ना, लीजिए ना, प्लीज पढ़िए ना, इंग्लिश में है। ए रमेश तू पढ़। मुझे कहाँ इंग्लिश आती है दादा। ए जुटला तू पढ़। मुझे भी नहीं आती दादा। ए तू पढ़। माँ कसम नहीं आती। तू ही पढ़ चल। अरे मुझे भी नहीं आती। लाना दस साले तुम पे। May I come in sir? I am coming from Sunfist Biscuit Company sir. Sir, the Sunfist Biscuit is the best biscuit sir. It gives energy and strength sir. Everybody should buy. तेरे जैसा ही चाहिए था। आजा 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 आजा। Thank you sir. Thank you sir. Sir, the Sunfist Biscuit is. वो सब ले लेंगे चिंता ना कर। नॉर्थ इंडियन है? यस सर। जम्मू कश्मीर का? नहीं दिल्ली से। वो क्या है ना, मेरे बेटे ने एक लेटर लिख के भेजा है इंग्लिश में, इसे पढ़ के बता भी क्या अभी। ओके सर। पढ़। यहाँ शनिश। भाई कौन है पता नहीं तुझे, तू बैंगलोर में नया है क्या? चुप हो तू, वो भी मैं ही हूँ, तू पढ़ पढ़ पढ़। प्रिय भैया शनिश्वर जी। ए पागल शनिश्वर। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इसमें लिखा है, आप पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, आप पढ़िए। थर्टी फर्स्ट दिसंबर को तेरा आखिरी दिन है, उससे पहले बेंगलोर छोड़कर दूर चला जा, नहीं तो चाय की दुकान या पान की दुकान खोलकर जिंदा रहे। बताओ। चुप। नहीं तो जहर खा के या फांसी लगा के मर जा। ए! सर सर यहाँ लिखा हुआ है सर। पढ़ पढ़। 1 जनवरी को तू मिट्टी में मिल जाएगा, तेरी मौत मेरे हाथों है, तेरा यमराज मैं ही हूँ। सर सर मैं नहीं कह रहा सर, कोई वीरभद्र ने लिखा ये, आप मेरा गला छोड़ो, मुझे और भी जगह जाना है। कौन कौन है वीरभद्र? भैया अगर वो मिला ना तो 10 सेकंड में उसे राख बना के आपके पैरों के नीचे ला के रख दूंगा। वो ये सनफिस्ट बिस्किट के साथ ये निप्पल भी फ्री है। देखिए अभी समय है, उसके मुताबिक बताए हुए समय पे ही वो सबको खत्म करता आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, या तो हम शहर छोड़कर चले जाएं, या तो आप गुंडागर्दी छोड़ दें। अंदर जा, मैंने कहा अंदर जा। ये मंगलसूत्र हमेशा आपके साथ रहने के लिए है, ना कि आपको अपनी आंखों के आगे मरता देखने के लिए। क्या है हा? पति पे विश्वास नहीं है, उस हथियारे पे विश्वास है। ए, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस साली को मैं। ए, रुक जा, तेरी हिजड़े जैसी मर्दानगी मेरे सामने मत दिखा। तू मर्द है तो तेरे को टाइम दिया है उसने, एक दिन उसके सामने जिंदा रह के दिखा, तब तुझे मर्द मानूंगी, तभी तेरे सामने पत्नी बनकर खड़ी होंगी, वरना नहीं। समझ ले इस बात को, तब तक तेरी मर्दानगी मेरे सामने मत दिखाना, समझा? ए, चल री। नमस्कार, नमस्कार। मेरे बेटे के ट्रांसफर के बारे में करेंगे, बताया था ना मैंने। हेलो
जानता हूँ, बोलो भाई शनेश्वरा। ए भाई, एक बात बता मुझे, ऑल इंडिया रेडियो की तरह सारे शहर को बता दिया उसने, सिटी चैनल, वो टीवी, ये टीवी, गली में स्लम में मुझे मार देगा, ये कहा है उसने, पता है तुझे? ए, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए मुझे। तेरे ऊपर 1000 पुलिस केस हैं, उनके होते हुए अगर मैंने तुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी तो लोग मुझे मार देंगे। ए, कैसे जीता है तू? मैं जानता हूँ, 500 वोटों में मैंने 50,000 वोट डाले हैं, 3 कॉर्पोरेटर, भूल मत, भूल गया तो शनि बिगड़ जाएगा, बता रे। ए, समझा, पब्लिक ओपिनियन। तुम्हारे डाले हुए 4 वोटों की वजह से ही आज तुम बाहर हो। ए, तू जानता नहीं है क्या मुझे, तू किससे बात कर रहा है? मुझे खुद को बचाना आता है और तुझे कैसे उड़ाना है वो भी आता है। 24 घंटे बीतने दे, तुझे उसके बाद देखूंगा, समझा? ए रमेश, बेंगलोर सिटी से सारे अपने जैसे भाइयों को बुलाओ, उन सारे लोंडों के हाथों में ब्लेड, चाकू, तलवार, बंदूक, जो हथियार मिले सब पकड़ा के तैयार करो, सबको बताओ, दुनिया में फैलाओ, सबका बाप है यहाँ आत्मा, परमात्मा, शनि महात्मा, गॉडफादर, सारे भाइयों में खबर फैला दो, बेंगलोर पैलेस में इकट्ठे हो जाएं। कहाँ? बेंगलोर पैलेस में भाई। जेडर बल्ले कैसा है? एकदम मस्त भाई। ये कैंचा? सुपर भाई। ओ करिया, अब पुन मस्त भाई। सब अच्छी तरह से खा के एंजॉय करो, टुकड़े टुकड़े कर दो। तेरी कसम भाई, उसके सिर को अच्छी तरह से काट के, अच्छी तरह से रगड़ के तेरे पैर के नाप के जूते बनाऊंगा, पहन लेना उसे। वीरभद्र, बैंगलोर के सारे गुंडे जमा हो गए हैं, हमें छोड़ देना चाहिए। क्या, छोड़ देना चाहिए? भगवान ने आज सबको यहाँ लाकर मेरी किस्मत खोल दी है, ऐसे चांस को मैं मिस नहीं कर सकता। कल सुबह तेरी बहन की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तेरा वहां रहना बहुत जरूरी है वीरभद्र। क्यों, मेरे मरने का डर है क्या? मेरी बहन के कोख में होने वाले बच्चे की कसम खाई है मैंने, वो मुझे बचाएगा। माँ! मैं चाहता हूँ कि बच्चे के जन्म लेते ही पूरे बेंगलोर में शांति होनी चाहिए, ऐसा होगा, मैं करूंगा, तब तक मुझसे मौत भी डरेगी। वैसा नहीं है रे, कल सिद्धिया जी के लीडरशिप में पिछड़े वर्गों का समावेश है, वहाँ पर लक्षांतर के लोग आके जमा होंगे, उनके सिक्योरिटी के लिए हमारे एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट वहीं रहेगी, मैं भी वहीं रहूंगा इसीलिए। क्या क्या कहा तूने? सुबह सिद्धिया जी की रैली है, लक्षांतर लोग वहां आके जमा होंगे, एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट वहीं पर रहेगी। क्या नाम बताया लीडर का? सिद्धिया। उसे फोन कर। क्या मैं करूं? जितना कह रहा उतना कर। हेलो। मैं शनिश्वरा बोल रहा हूँ। जानता हूँ, बोल। क्यों बे, अपनी औकात भूल गया क्या? ए, क्या बोल रहा है बे? कान खोल कर सुन ले, बेंगलोर में जाति रैली करके अपनी जाति पावर दिखा रहा है क्या? तुझे अपनी जाति का पावर दिखाऊं क्या? हाँ बेटे, ये सब ड्रामे बंद करके अपने गांव की तरफ लौट जा, वरना तुझे तेरी जात और औकात दोनों दिखा दूंगा। मेरे साथ इस वक्त बेंगलोर पैलेस में 500 गुंडे हैं, एक एक के अंदर 10-10 लोगों को काटने की ताकत है, ऐसे हिसाब लगाया तो तेरी जाति का कोई नहीं बचेगा। मेरी जाति को छू के गलत कर रहा है तू? हे, तू कौन सी जाति का है? कल सुबह हमारे गैंग वाले एक एक करके तेरे आदमियों को काट डालेंगे, तब उनकी लाशों का ढेर देखकर तेरी जाति पता चल जाएगी। हेलो। ए कमिश्नर, वो गुंडा शनिश्वरा पैलेस में सैकड़ों गुंडे लोगों को इकट्ठा करके मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, एक बात याद रख ले, कल चलने वाले हमारे जाति के लोगों के जुलूस में हमारी जाति की एक बाल भी बाका हुआ
तो कर्नाटक में जहां जहां हमारे जाति के लोग हैं वहां वहां आग लग जाएगी, बुझाएगा, क्या करेगा फिर? देखो, शनिश्वरा हथियार और गैंग के साथ बेंगलुरु पैलेस में है, जल्दी से उसे अंदर डालो। यस सर। कहता था टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हमारे भाई से डर गया। देखा, आ गए। आपने फोन करके पुलिस की सिक्योरिटी मंगाई थी ना, देखा, आ गई ना। सर, आपने जो बोला था सही है, शनिश्वरा अपने हथियारबंद सैकड़ों गुंडों के साथ पैलेस में है। तुझे और तेरे लड़कों को अरेस्ट करने का ऑर्डर है। सबको कह दे कि चुपचाप गाड़ी में चढ़ जाए। क्यों रे? मंत्री को फोन तो नहीं किया था ना? मैंने किया। गला काटूंगा उसका, तू मेरा क्या करेगा? अभी बताता हूँ, अरेस्ट कर लो इसे। देख क्या रहे हो? चार्ज! नहीं, अब बैठ जाओ। दुश्मन नहीं, मार मत। रुको रुको, प्लीज रुको। देख भाई देख, मैं तुझे जितना पैसा चाहिए दूंगा, लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, ये मेल गिर भी रखा है, उसी को चाहिए तो लिख कर दे दूंगा, मत जला। बिजनेस की बात यहाँ करेगा या ऊपर चलकर? हाँ हाँ, ऊपर 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 चलते। तेरी मौत मेरे हाथ में, तेरा यमराज मैं ही हूं। यमराज दिखाई दिया क्या? सचमुच का यम देखा है क्या? मैं ही हूं। ये पुलिस नहीं है सर, गांधीनगर का मशहूर बदमाश है गंगू। ये क्या गणपति विसर्जन का त्योहार है जो पुलिस से परमिशन लूं? ये वीरभद्र का रुद्र तांडव है। वीरभद्र यही है, कम ऑन। तेरे मारने से ही खून निकलता है क्या? मेरे मारने से नहीं निकलेगा, निकलेगा या नहीं?
निकलेगा या नहीं। खून निकलेगा। तेरे मारने से ही हड्डी टूटती है क्या? मेरे मारने से नहीं टूटेगी। टूटेगी या नहीं टूटेगी बता। टूटेगी या नहीं बता। टूटेगी। तेरे मारने से ही मरते हैं क्या? मेरे मारने से नहीं मरते। नहीं नहीं। मरते हैं या नहीं? नहीं। मरते हैं या नहीं? नहीं 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 नहीं। मेरे मारने से भी मरते हैं। Come on! Happy New Year. तेरे बच्चे की मैंने नजर उतारी है, पैसे दो। वो सब मेरे भैया से लेना।